हेलो एवरीवन, माय नेम इज उस्मान एंड वेलकम बैक टू एक्मा स्क्रिप्ट 2015 ट्यूटोरियल्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दैट लेट एंड कॉस्ट इन एक्मा स्क्रिप्ट 2015। जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लेट और कॉस्ट को हम कैसे यूज करते हैं एक्मा स्क्रिप्ट के अंदर। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि ये मेरा इस प्लेलिस्ट का सेकेंड वीडियो होने जा रहा है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपने HTML की फ़ाइल एक बना लेनी है। तो मैंने HTML की फ़ाइल एक जनरेट की है, न्यू बनाई है ECMAScript.HTML के नेम से। इसके अंदर मैं आ जाता हूँ, सबसे पहले मैं एक स्क्रिप्ट टैग जनरेट करता हूँ। उसके बाद गाइस, मैं आप लोगों को लेट और कॉस्ट को एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा वेरिएबल को एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि वेरिएबल, कॉस्ट और लेट में क्या डिफरेंस है। तो हम वेरिएबल को भी साथ लेके चलेंगे। वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है, कॉस्ट की क्या डेफिनेशन है और जो हमारा लेट है इसकी क्या डेफिनेशन है, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। पहले आप जस्ट एक एग्जाम्पल देख लें, तीनों की एक एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं वेरिएबल ले लेता हूँ फर्स्ट नेम। इधर मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट नेम और इसको हम कंसोल में इसके आउटपुट देख लेते हैं। फर्स्ट नेम इसको आपने इसके आउटपुट देखने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, इसका कॉपी पाथ करना है। कॉपी पाथ करके आपने जस्ट जाके ब्राउजर के अंदर आपने इधर पेस्ट कर देना है। तो इसको राइट क्लिक कर लेते हैं, हमने कंसोल पे प्रिंट करवाया है, कंसोल पे चले जाते हैं। तो ये देखें, ये हाफिज परफेक्ट। तो गाइस, अब हम इसकी नेक्स्ट देखते हैं, सेम इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लेट कीवर्ड। लेट से हम जो डिक्लेयर करते हैं, इसको मैं नेम दे देता हूँ मिडल नेम और इधर मोहम्मद, और इसी को कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ। इसकी आउटपुट भी देख लेते हैं, ये देखिए मोहम्मद, कोई डिफरेंस नहीं है लेट में वेरिएबल में। अब हम सेम कांस्टेंट को भी इसी तरह करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। गाइस, अभी आप लोगों को आगे चल के सब इसका डिफरेंस पता लग जाएगा। अभी जस्ट मैं आप लोगों को सिंपल से लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि वेरिएबल और सॉरी, मैंने लेट को ये पहले जो मैंने शो किया था ये लेट तो किया ही नहीं, इसको इसको मैं लेट कर लेते हैं। ये इसकी लेट में आउटपुट देख लेते हैं। तो गाइस ये देखिए सेम आउटपुट है। तो अब हम देख लेते हैं कांस्टेंट को। गाइस, कांस्टेंट का मकसद ही ये होता है कि जब हमने किसी चीज़ को कांस्टेंट रखना हो, चेंज ना करना हो, तो इसको हम देख लेते हैं। इसको मैं दे देता हूँ कांस्ट। कांस्ट मैं लास्ट नेम कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लिया पेस्ट और इधर मैं लिख लेता हूँ उस्मान। अब इसकी आउटपुट देखते हैं क्या आउटपुट होने वाली है। तो ये परफेक्ट सेम आउटपुट है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अभी तक आपने जो देखा है वेरिएबल, लेट और कॉस्ट को, तीनों की अभी तक सेम डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम आउटपुट है। तो गाइस, अभी हम इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को उठा लेता हूँ, कॉपी करता हूँ और मैं इसको अनकमेंट करके इधर लिख लेता हूँ वेरिएबल। और अब हम इसको वेरिएबल को वैल्यू न्यू असाइन करते हैं। इसको पहले मैंने डिक्लेयर कर दिया फर्स्ट नेम वेरिएबल को, उसके बाद अब मैं इसको न्यू वैल्यू असाइन करता हूँ यहाँ पे मिडल नेम। तो गाइस, इसकी क्या आउटपुट आएगी,
जहरी सी बात है, जब आपने इधर डिक्लेयर किया है उसके बाद आप आगे जाके इसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो क्या आउटपुट आएगी? जहरी बात है, ये आउटपुट आएगी। तो इसकी हम देख लेते हैं, बहरहाल इसकी आउटपुट देखते हैं। ये देखें आउटपुट, मैंने इसके अंदर डिक्लेयर जब किया था उसके अंदर मैंने वैल्यूज दी थी हाफिज फर्स्ट नेम के अंदर, बाद में मैंने इसकी नीचे जाके नीचे वाली लाइन में इसको मैंने चेंज कर दिया मोहम्मद, तो उसने उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। और अगर मैं ये सेम काम लेट के साथ करूं तो क्या आउटपुट होगी? मैं जस्ट इधर ही चेंज कर देता हूं लेट। तो अब गाइस क्या आउटपुट होने वाली है, जरा सोचिए। तो ये देख लेते हैं, इसकी आउटपुट सेम आउटपुट है, यानी कि वेरिएबल की भी सेम आउटपुट है और लेट की भी सेम आउटपुट है, कोई डिफरेंस ना हुआ। अब हम इसको कांस्टेंट को देख लेते हैं, कांस्ट में क्या फर्क है। तो गाइस अब आप लोग गैस करें कि इसकी क्या आउटपुट आएगी, हाफिज आएगी या मोहम्मद आएगी कांस्टेंट की? तो आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो ये तो गाइस हमें वो एरर दे रहा है कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल्स, वो हमें कह रहा है कि आप लोगों ने अगर उसको कांस्टेंट रखा है तो आप उसको क्यों न्यू असाइन कर रहे हैं वैल्यू? जब एक चीज को कांस्टेंट रख दिया जाता है, कांस्टेंट रखा ही उसको जाता है जिसकी वैल्यू आप लोगों को पता है कि हमने चेंज नहीं करनी। तो ये एक चीज तो साबित हो गई कि लेट और वेरिएबल में अगर डिफरेंस नहीं है, तो इधर आप लोगों को एक चीज तो साबित हो गई कि कांस्टेंट और लेट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। तो कांस्टेंट तो जस्ट उसी को डिक्लेयर किया जाता है जिसकी वैल्यू हमने चेंज नहीं करनी। तो ये याद रखना, जब भी आप लोगों ने किसी चीज़ को चेंज नहीं करना आगे चल के, उसकी वैल्यूज को तब्दील नहीं करना, तो आप उसको कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मजीद इनको एक्सप्लेन करने के लिए। तो गाइस सबसे पहले मैं अब आपको इसको फंक्शन के अंदर एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो आप लोगों को एक चीज उससे पहले बताता चलूँ कि जो हमारा वेरिएबल है और जो लेट है और कांस्टेंट है, इनकी डेफिनेशन क्या है। जो वेरिएबल होता है हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसका जो स्कोप होता है वो फंक्शन स्कोप होता है, और जो लेट और कांस्टेंट का स्कोप होता है वो ब्लॉक स्कोप होता है। तो इसका स्कोप जो होता है वो ब्लॉक के अंदर अंदर होता है, और इसका स्कोप जो होता है वो फंक्शन के अंदर स्कोप होता है। तो इसको अभी मैं जब एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल के साथ तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। मैं फॉर एग्जांपल इधर एक फंक्शन लेता हूँ, और फंक्शन का मैं नाम ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल एक्मा ही ले लेते हैं, एक्मा स्कोप, और इधर मैं पास कर देता हूँ ट्रू। मैं इधर इफ के साथ लिखता हूँ या इधर ट्रू, इधर मैं लिख लेता हूँ वेल वेल, या इसको मैं लिखता हूँ इज ट्रू ट्रू। इसकी वैल्यू हम फंक्शन को कॉल करेंगे और पीछे से पास करेंगे। अगर ये ट्रू है तो क्या करें, लेट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, इधर लिख लेता हूँ हाफिज, और उसके बाद इसी तरह मैं कॉन्स्ट ले लेता हूँ एक, लास्ट नेम इज इक्वल टू उस्मान। तो इसको हम कंसोल में आउटपुट ले लेते हैं, इसकी डॉट लॉग, इसके अंदर लिख देता हूं मैं माई नेम इज, इसको कॉनकेटिनेट कर देते हैं, इधर लिख लेता हूं मैं फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम इसको कॉनकेटिनेट, माई नेम इज, फिर कॉनकेटिनेट करते हैं लास्ट नेम के साथ। तो ये इसकी आउटपुट देख लेते हैं। अच्छा, आउटपुट देखने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताता चलूं
मैंने जो आप लोगों को अभी थोड़ा सा डेफिनेशन के बारे में बताया था, फंक्शन स्कोप और जो ब्लॉक स्कोप है वो क्या होता है, तो गाइस ये जो हमारा फंक्शन है ना, इस फंक्शन के अंदर इसकी जो ये कर्ली ब्रैकेट शुरू हो रही है, इस कर्ली ब्रैकेट से नीचे लास्ट इस फंक्शन की कर्ली ब्रैकेट तक जो स्कोप होगा उसको जो भी चीज़ डिक्लेयर की जाएगी उसको हम समझेंगे कि वो फंक्शन स्कोप के अंदर डिक्लेयर की गई है। और जो ब्लॉक स्कोप होता है वो होता है कि इस कंडीशन, इस फंक्शन के अंदर ये जो कंडीशन लगी है ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक स्कोप, इसको ब्लॉक स्कोप कहते हैं, ये फंक्शन स्कोप है और ये ब्लॉक स्कोप है। तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि जो हमारी वेरिएबल है इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है फंक्शन स्कोप जावास्क्रिप्ट के अंदर, और जो हमारी ये लेट और कॉन्स्ट है इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है ब्लॉक स्कोप। अभी आप लोगों को इसका डिफरेंस नज़र आ जाएगा। अभी इसकी क्या आउटपुट होगी, इसकी आउटपुट देख लेते हैं। सॉरी, मैंने इसको कॉल तो किया नहीं किसी जगह भी फंक्शन को, मैं इसको कॉल कर लेता हूँ फंक्शन को, एक्मा स्कोप, इसको मैं पास कर देता हूँ ट्रू। जाहिर सी बात है इसको ट्रू पास किया है वो इधर आएगा, इसको ट्रू मिलेगा, इधर इस ट्रू को यूज़ किया है, अगर ट्रू होगा तो ये हमारी आउटपुट आएगी। इसकी आउटपुट देख लेते हैं, तो ये देखें माई नेम इज हाफिज उस्मान, ठीक हो गया। हम इसको ज़रा कॉनकैटिनेट करते हैं, स्ट्रिंग से थोड़ा स्पेस दे देते हैं इसके अंदर। अब इसकी देख लेते हैं, ये तो ये इसकी आउटपुट आ गई है। तो गाइस अगर मैं यही सेम चीज़ मैं अगर वेरिएबल के साथ करूं तो वो तब आउटपुट क्या आएगी, इसकी को मैं ले लेता हूं और इसी को मैं ये कर देता हूं। अब इसकी आउटपुट क्या होगी ये भी देख लेते हैं, तो सेम आउटपुट है। और अगर मैं इसको कॉन्स्ट के साथ ले लूं, कॉन्स्ट के साथ आउटपुट क्या आएगी, जाहिर सी बात है सेम आउटपुट आएगी, हम उसको चेंज तो नहीं कर रहे कहीं भी वैल्यूज को, सेम आउटपुट है। तो गाइज अगर मैं अभी मैंने आप लोगों को बताया फंक्शन स्कोप और ब्लॉक स्कोप के बारे में, ये जो मैंने कॉन्स्ट डिक्लेयर किया है मैं इस वेरिएबल से ही लेट से ही लेता हूँ, ये लेट है, मैं इसको लेट की जगह इसको मैं ले लेता हूँ, ठीक है इसको लेट ही रखते हैं। अब मैं इसको उठा लेता हूँ, इसको कट कर लेता हूँ। लेट और कॉन्स्ट की जो स्कोप होता है वो आप लोगों को मैंने बताया ब्लॉक के अंदर होता है। अब मैं इसको बाहर प्रिंट करवा रहा हूँ, बाहर कंसोल में इसका आउटपुट ले रहा हूँ, तो अब क्या इसकी आउटपुट आएगी। लेट का और कॉन्स्ट का स्कोप तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि इसका स्कोप क्या होता है, ब्लॉक के अंदर होता है। मैं इसको कॉन्स्ट ले लेता हूँ ताकि दोनों का पता चल जाए हमें। तो अब इसकी आउटपुट ठीक आएगी, क्या आएगी, हाफिज उस्मान आएगी, माई नेम इज उस्मान। तो ये देख लेते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। तो ये देखें फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड, तो गाइज वो कह रहा है कि फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड, फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड वो कह इसलिए रहा है कि उसको पता ही नहीं है कि फर्स्ट नेम क्या है, इसका लेट और कॉन्स्ट का स्कोप ही इसके अंदर होता है ब्लॉक के अंदर, तो वो कैसे देख सकता है इसको। अगर यही सेम काम मैं वेरिएबल के थ्रू कर दूं, तो वेरिएबल के थ्रू अगर मैं कर देता हूं तो अगर मैं इसको भी वेरिएबल ले लूं, अब देखते हैं क्या आउटपुट आती है। ये देखें वेरिएबल का स्कोप था, वेरिएबल का स्कोप हमारा फंक्शन स्कोप होता है, फंक्शन के अंदर अंदर स्कोप होता है, तो जिसकी वजह से हमारी वैल्यूज आउटपुट आ गई है। तो गाइस इसकी एक मजीद एग्जांपल देखते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन आपको मैं करता हूँ और मज़ीद, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अगर मैं इधर मैं एक ही कॉन्स्ट इधर मैं लेता हूँ, लेट ले लेता हूँ, तो सबसे पहले हम लेते हैं वेरिएबल को लेते हैं नेम, और इधर मैं लिख लेता हूँ हाफिज, और इधर मैं एक इफ की कंडीशन लगा देता हूँ ट्रू, इधर मैं लिख देता हूँ एक दोबारा इसी वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ सेम नेम से, और इसके अंदर भी मैं नेम दे देता हूँ चेंज कर देता हूँ
उस्मान, और इसकी कंसोल में आउटपुट देखते हैं। फर्स्ट नेम, तो ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है ये तो ग्लोबली है, और इस वेरिएबल को जो डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं तो इस कंडीशन के अंदर डिक्लेयर कर रहा हूँ। और अब मैं एक मज़ीद कंसोल में आउटपुट देखता हूँ, डॉट लॉग, इधर मैं दे देता हूँ सेम फर्स्ट नेम जो हमने ग्लोबली लिया था। तो गाइज अब आप लोगों को क्या आउटपुट आएगी, सबसे पहले हमारा जो डिबगर होगा वो यहाँ से आएगा, फर्स्ट नेम के अंदर हाफिज सेव हो जाएगा, उसके बाद ये कंडीशन उसको ट्रू मिलेगी। तो ये जो सेम फर्स्ट नेम दोबारा है इसके अंदर उस्मान सेव हो जाएगा, और उसके बाद उसकी आउटपुट हो जाएगी इधर उस्मान, ठीक हो गया। और जो हमारा ये ग्लोबली है, इस ग्लोबल की जो हमने यूज़ किया था इसकी आउटपुट क्या होनी चाहिए, हाफिज़। तो अभी देख लेते हैं इसकी आउटपुट क्या है। तो ये देखें गैस, जो हम सोच रहे थे आउटपुट का, हमें वो आउटपुट नहीं मिली। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो हमारा वेरिएबल होता है ये फंक्शन स्कोप था, इसके अंदर मैंने आपको बताया था जो लेट होता है वो ब्लॉक स्कोप होता है। तो जो हमने ये वेरिएबल को डिक्लेयर किया था जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसने क्या किया है कि इसको इस ब्लॉक स्कोप के अंदर आके उसने इसको रिप्लेस कर दिया उस्मान के साथ। और हालांकि मैंने इधर एक न्यू वेरिएबल डिक्लेयर किया सेम नेम के साथ, मगर उसका स्कोप तो यहाँ तक होना चाहिए था, मगर उसने क्या किया, उसको रिप्लेस कर दिया है, और इधर इसकी फर्स्ट नेम के अंदर उसने चेंज कर दिया उस्मान, और इधर भी फिर उसने चेंज कर दिया उस्मान। तो गाइस अब यही एग्जांपल अब आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि वेरिएबल का जावास्क्रिप्ट में क्या नुकसान है। तो नेक्स्ट टाइम आपने जब भी यूज़ करना है, तो मेरी ओपिनियन ये है कि आप लेट यूज़ करें। अब फॉर एग्जांपल मैं इधर लेट ले लेता हूँ, लेट, और इधर भी मैं लेट ले लेता हूँ, तो अब इसकी क्या आउटपुट होगी। लेट का जो स्कोप था मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो हमारा जो होता है ब्लॉक स्कोप होता है, इसका स्कोप जस्ट और जस्ट यहाँ तक होता है। हमारी अब आउटपुट जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि ये हमारा ग्लोबली है, इसकी आउटपुट जो होगी वो इधर शो होगी, वो सेम एज इट इज़ होगी हाफिज़ के साथ, और इसकी आउटपुट जो होगी वो उस्मान के साथ। यानी कि हमारी आउटपुट आएगी फर्स्ट ये कंसोल में आउटपुट आएगी, नेक्स्ट ये आएगी उस्मान, फिर हाफिज़। तो देख लेते हैं इसको, पहले भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे जो हमने वेरिएबल से किया था, मगर उसने इस तरह नहीं दी थी आउटपुट। अब इसको लेट को देख लेते हैं, तो ये देखें पहले हमारा उस्मान उसने प्रिंट किया, फिर हाफिज़ प्रिंट किया, तो ये कैसे हुआ है? ये देखें, उसने इसको उस्मान को इधर प्रिंट कर दिया, ठीक किया, उसके बाद ये ग्लोबली जो आउटपुट थी उसने वो यहाँ कर दी हाफिज़। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अब कॉन्स्टेंट की तो ज़रूरत ही नहीं है, कॉन्स्टेंट तो हम सिंपल एक कॉन्स्टेंट में लेता हूँ, कॉन्स्टेंट का स्कोप भी हमारा ब्लॉक स्कोप होता है, इसको मैं इधर कांस्टेंट ले लेता हूँ, इसका स्कोप जस्ट और जस्ट इधर तक ही होगा, और इसका स्कोप बाहर है, तो ये भी हमें सेम आउटपुट देगा। तो इसको भी देख लेते हैं, तो ये देखें सेम हाफिज़ और उस्मान। तो गाइस आप लोगों को समझ आ गई होगी कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अब लेट का, लेट हमें क्या, लेट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है, और कांस्टेंट का तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि कांस्टेंट हम जिस चीज़ को हमने चेंज नहीं करना, अगर हमने सेम वैल्यूज़ को एक्सेस करना, अगर आपने किसी वैल्यू को चेंज नहीं करना, उसको कांस्टेंट रखना है, तो आप कांस्टेंट ले लें उसको। और लेट का आप लोगों को पता लग गया है कि जस्ट और जस्ट हमारा ब्लॉक स्कोप होता है। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।